मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मर्द को दर्द नहीं होता होगा, लेकिन तो पड़ती है फीलिंग में और दर्द होता है पता है, वो ऐसे 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 रगड़ता है एक जगह लगी पड़ी भाई। तो रुको जरा, सबर करो। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। एंड यार आज फिर से काफी दिनों बाद मैंने कैमरा उठाया है और उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, वो रीजन है कि आज मुझे टैटू कराना है। जी हाँ, बहुत से लोग जानते होंगे कि मेरे दोनों आर्म्स पे टैटू है, यहाँ पे भी लेफ्ट राइट दोनों जगह, बट तीसरा टैटू आज होगा। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था इस टैटू को बनवाने की, मतलब कोशिश क्या, मन कर रहा था मेरा बहुत ज़्यादा, बहुत करीब है ये दिल के, इसका मीनिंग जो है टैटू का, बट वेट इसलिए कर रहा था बिकॉज ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा और थोड़ा बड़ा है, तो मैं सही टाइम के लिए वेट कर रहा था। बट आज वो फाइनली सही टाइम आ चुका है, मैंने कल जाके टैटू फाइनलाइज कर दिया है, सब कुछ हो चुका है, बस अब मुझे जाके बनवाना है, 2 से 3 घंटा लगेगा वहाँ बनवाने में। एंड टैटू अडिक्ट कानपुर, 2 ब्रांचेज हैं, स्वरूप नगर एंड कौशलपुरी, मैं स्वरूप नगर ब्रांच में आज बनवा रहा हूँ, तो कानपुर के जितने भी भाई हैं देख लेना यार टैटू अडिक्ट कानपुर का एक्सपीरियंस मेरा देख लेना, और तुम लोग को बनवाना हो तुम लोग भी वहाँ बनवा लेना, ठीक है, बढ़िया से वहाँ पर ब्लॉग बनाते हैं चल के। उससे पहले एक बंदे को पिक करते हैं जो कि आप लोगों के लिए शूटिंग करेगा कायदे से, बढ़िया हमारा टैटू एक्सपीरियंस, जितना दर्द होगा जितना पेन होगा सह लेंगे थोड़ा, यार टैटू मतलब दिल के करीब रहता है, मेरे जितने टैटू है 2 टैटू हैं बहुत दिल के करीब हैं, ये तीसरा वाला उससे भी ज़्यादा होने वाला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते रहो पूरा देखते रहो। एंड एक और चीज़ दोस्तों, इतनी सब तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है एक हफ्ते के स्पैन में, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। मैं सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच में कुछ होने वाला है, व्लॉग्स आर गना चेंज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, सो स्टे ट्यून्ड। हाँ भाई, कैमरा में फाइनली आशुतोष जी हैं, ये हमारे आज कंपेनियन रहेंगे। एंड मैंने बोल दिया यार कैमरे में पहले ही कि तुम्हें आज शूट करना है कायदे से मेरा टैटू, है ना, तो मैं आपको बता दूं हम दोनों लोग क्या हैं, जिम पार्टनर्स हैं, तो हमने सोचा थोड़ा यार बाइसेप्स पे बनवाया जा रहा है तो बंदे से अच्छा कौन हो सकता है फिर तो चलते हैं यार, यहाँ पे जाम लग रहा है जहाँ पे मैं खड़ा हो चुका हूँ, यहाँ पे रुक जा, तो मिलते हैं सीधा आपको टैटू अडिक्ट स्वरूप नगर। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, जैसा मैंने बोला था, देखते हैं यार कितना दर्द होता है, कितना सह पाते हैं, कितना रोते हैं, जो भी होगा व्लॉग में दिख जाएगा, डोंट वरी। तो देखो भाई आ चुके हैं टैटू अडिक्ट स्वरूप नगर, सैम भाई यहाँ पे हैं, सैम भाई हमारा टैटू करेंगे। एंड आपकी कहाँ पे एक और ब्रांच है, गुमटी में, कौशलपुरी में, तो गुमटी में भी एक ब्रांच है, तो कानपुर के जो लोग देख रहे हो अगर किसी को टैटू करवाना हो मेरी दर्द देख के मेरा सब कुछ देख के अगर आपका मन है तो ज़रूर आए टैटू अडिक्ट में। और मेरा भाई यहाँ से बनवा चुका है, सो एक साल उसका हो चुका है, टैटू अच्छा बना था इसलिए मैं भी ये है कि हाँ चलो ठीक है, वरना मैंने 2 टैटू कराए हैं वाराणसी से कराए हैं, वो टैटू सही रहे हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस नया होगा, देखते हैं क्या होता है, पूरे ब्लॉग में बने रहो। एंड टैटू का जो मतलब है ना यार, ये है टैटू की कुछ डिज़ाइन, ठीक है, ये बनेगा तब और अच्छा लगेगा, इसका जो मतलब है व्लॉग के एंड में ज़रूर बताऊँगा, उसके लिए बने रहना। साथ हैं आशुतोष भाई, ये हमारी शूटिंग करेंगे, सो लेट्स सी क्या होता है। जिससे बेसिकली इंक लगाई जाएगी, इंक हमारे उसमें होगी, वे कौन सी नीडल्स हैं, कार्बन की नीडल्स हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है ना, बेस्ट नीडल्स तो देखते हैं भाई यही जाएगी अंदर यहाँ पे जिससे ये बनेगा। अभी तो फिलहाल स्टेंसिल हो चुका है, अब इसी पे आउटलाइनिंग होगी, उसके बाद भरा जाएगा, तब देखते हैं क्या होता है, स्टैम पे थोड़ी सी फटती है, फेस के एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता रहे हैं।
चीटी जैसा देखो काटता है, इतना तो है। जिन लोगों ने नहीं बनवाया और जिनको मन है बनवाने का कुछ भी है, चीटी जैसा काटता है, इससे ज्यादा दर्द नहीं होता है। चल झूठा। लुक, आपको एक ज्ञान देते हैं। द टैटू इज द मार्क ऑफ द सोल। इट कैन एक्ट एज अ विंडो थ्रू विच वी कैन सी इनसाइड, or it can be a shield to protect us from those who cannot see past the surface. Deep meaning, समझो। अबे साले इसको माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ऐसी ज्ञान की बातें आदमी तभी करता है जब अंदर से उसकी लगी होती है। मंदाकिनी के ग्राउंड फ्लोर पे ही बना हुआ है, अभी आधा भी नहीं हुआ है। आपको बोर्ड वगैरह दिख जाएगा, टैटू और इसका, आप आ जाइए। मैं आउटलाइनिंग होनी है, उसके बाद फिलिंग होगी। अभी आउटलाइनिंग आधी शायद हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, मंदाकिनी के बोर्ड लगा हुआ टैटू एडिक का, टैटू की शॉप है। 45 मिनट टैटू एडिक का बोर्ड लगा हुआ टैटू की शॉप है, टैटू की। सुने नहीं कर रहा। ठीक है, रो नहीं रहा हूँ, जरा भी नहीं रो रहा हूँ। मर्द को दर्द नहीं होता, होगा। मर्द को दर्द नहीं होता, होगा, लेकिन तो पड़ती है। हॉल्ट, ब्रेक हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी यार। तुम बताओ भाई आशुतोष, तुम बताओ कैसा लग रहा है। मैं तो बोलूँगा ही, मैं खर्चा कर रहा हूँ इतना। नहीं, बढ़िया टैटू है। अच्छा लग रहा है ना अभी जितना आ रहा है। देखो ऐसे कुछ दिखेगा। ये कोड भाई हमेशा याद रखना जब भी टैटू बनवाने जा रहे हो। गुड टैटूज आर इन चीप एंड चीप टैटूज आर इन गुड। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट। टैटूज के लिए वेट कर लो, अगर पैसा नहीं है तुम्हारे पास वेट कर लो, लेकिन भाई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जिंदगी भर का सवाल है। ये देखो, ये अच्छा एक बनवाया, एक ये बनवाया, अब तीसरा ये जा रहा है। तीनों वेट करके बनवाया मैंने जब मेरे पास पैसा हुआ कायदे से। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए है ये, जो जल्दबाजी करते हैं। अब जैसे इनको बनवाना है, ये भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा है, आराम से करेगा। दो तीन साल अभी कह रहा है रुकूंगा, आराम से बनवाऊंगा, लेकिन बढ़िया बनवाऊंगा, ऐसे ही होना चाहिए। अब देखते हैं यार हॉल्ट कब तक खत्म होता है, उसके बाद मिलते हैं। आउटलाइनिंग अब प्रॉपर दिखा देते हैं, उसके बाद फिर फिलिंग पे मिलते हैं। फिलिंग आउटलाइनिंग आपको देख लो सिनेमैटिक्स में थोड़े मोड़े, उसके बाद सीधा फिलिंग जब होगी उस पर मिलते हैं। फिलिंग में और दर्द होता है पता है, वो ऐसे 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 रगड़ता है, एक जगह लगी पड़ी भाई। सह लेंगे यार, सह लेंगे। जन्नार है भाई, जन्नार है। फील क्या होता है ना पता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ मतलब लग गया है, कुछ चीटी काट रही है लगातार और झन्ना जा रहा है, वैसे ही कुछ फील हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज शेडिंग। भाई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 3:30 हो गए। कितने बजे आए थे अपन? 12:30 के पहले। 12:30 के आए थे, 4:05 हो रहा है। अच्छा, इतना डेडिकेशन, इतना मोटिवेशन, लड़के पढ़ाई लिखाई अपने करियर इन सब में लगा दें, तुम्हारा देश सुपर पावर बन जाए। चलो चलो चलो, सही लग गई, सैम भाई को भी सही लग गई है बात। इतना डेडिकेशन हम टैटू बनवाने में लगवाते हैं भाई। सबसे बड़ी जो बात ये है डेडिकेशन इनका देखो, वो तो भाई 3:30 से हम तो चलो जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं, इनका देखो कंसेंट्रेशन के साथ इधर उधर बिगड़ना नहीं चाहिए, मानना पड़ेगा यार, फूकना पड़ता है, फूकने से राहत मिलती है, जलन हो रही है, जलन हो रही है।
एक कहावत है ना, सहलाने से है। पहले बेटा ये करा फिर सहला दिया, वैसे ही इस टाइम हाथ सोच रहा होगा हमारा। पहले तो बेटा घुसा रहे हो, घोप रहे हो सुई, उसके बाद फूक के। टैटू बन गया है बढ़िया, हमने पैक कर दिया है, जैकेट पहन लिया। जैसे भी ये है शैंकी भाई, ओनर यहाँ के टैटू एडिक्ट के। तो दो ब्रांचेस है मैंने जैसा बताया है, एक कहाँ का है, एक कौशलपुरी में है, कानपुर में, एक स्वरूप नगर, एक स्वरूप नगर में, जहाँ से मैंने कराया। तो टैटू एक्सपीरियंस दोस्तों बहुत अच्छा रहा है। एंड क्या क्या सर्विसेज मिल जाएंगी यहाँ पे? सर्विसेज यहाँ पे टैटू मेकिंग का है, टैटू रिमूवल है, स्किन ट्रीटमेंट, एक्ने, मेलास्मा, जितने भी स्किन, टैटू रिमूवल भी हो जाता है। हाँ, टैटू रिमूवल भी होता है। ये टैटू रिमूवल की अभी इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, पीको श्योर करके मशीन आती है। अच्छा, जब भी मैंने अपग्रेड करी है तो काफी अच्छा इसके रिजल्ट्स आते हैं टैटू रिमूवल। तो दोस्तों आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे जो कानपुर के भाई हैं या कोई बाहर से भी आ रहा है, तो टैटू एडिक्ट वन ऑफ द बेस्ट टैटू शॉप्स यहाँ पे है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, सीमलेस रहा है। अपॉइंटमेंट लो, नेक्स्ट डे आओ, आराम से टैटू बनवाओ, कोई टेंशन नहीं है। और शैंकी भैया का एटीट्यूड और इनका जो सैम भैया थे जिन्होंने हमारा बनाया, बहुत ही अच्छे से यार, बहुत फ्रेंडली माहौल था। 5 घंटे लगे, लगभग 4.5-5 घंटे, लेकिन बहुत बढ़िया से हुआ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं व्लॉग के एंड पे। थैंक यू शैंकी भैया, यू वेलकम। और इनका डिस्क्रिप्शन दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी कुछ है तो डिस्क्रिप्शन में सारे इनके इंस्टाग्राम हैंडल है, फोन नंबर है, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लो जाके, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप भी बोलते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। और लास्ट में मिलते हैं व्लॉग के एंड पे, चलो बाय बाय। हाँ तो भैया यार, हम लोग देखो घर आ चुके हैं, 1 घंटा नियरली हो चुका है मुझे टैटू बनवाए हुए। तो अब मैं दिखा देता हूँ यार फाइनली टैटू का क्या है अभी पोजीशन या कंडीशन। तो देखो अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरहम पट्टी करवा के आया हूँ। तो इसको ऑइंटमेंट के साथ कुछ बांध दिया जाता है, भैया ने बोला था मुझे आधे पौन घंटे बाद आप इसको निकाल सकते हो। सो इट्स बीन मोर देन 45 मिनट्स नाउ। तो कुछ ऐसा हमारा फाइनल टैटू का डिज़ाइन आया है, मैं ऑनेस्टली बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप अगर डिटेलिंग देखें इसकी ना, इसकी डिटेलिंग से लेके सब कुछ, पहले आउटलाइन, डिटेलिंग, सब कुछ, शेडिंग वेडिंग बहुत बढ़िया हुई है, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड टैटू एडिक्ट। एक तो यार टैटू बनवाने से पहले ना बहुत डर लगता है कि कहाँ से बनवाएं, क्या बनवाएं। सिंस मैंने 2 बार बनारस से बनवा रखा था तो मुझे वहाँ एक ट्रस्ट फैक्टर था, बट यहाँ पर थोड़ा मुझे डर लग रहा था। बट देन आई एम टोटली अमेज्ड एंड आई एम टोटली इंप्रेस्ड आई वुड से। तो हाईली रिकमेंडेड यार टैटू एडिक्ट, अगर आपको बनवाना है टैटू, बहुत बढ़िया, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है यार, बहुत फ्रेंडली माहौल था। 5 घंटे आप दे रहे हो, आप 5 घंटे वहाँ बैठे हो, टैटू बनवा रहे हो, बोर हो जाओगे यार, आप पगला जाओगे। तो इसलिए बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छा एटमोसफियर था वहाँ पे, एंड 5 घंटे पता नहीं लगे टू बी ऑनेस्ट, निकल गए। पेन वेन और ये सब तो यार चलता ही रहता है, बट जब तक फाइनल प्रोडक्ट ये है तब तक हर पेन से आ जा सकता है। और इसका अगर दोस्तों मैं आपको मतलब बताऊं इस टैटू का, जो कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो मतलब ये है, ये जो आप नॉट्स देख रहे हैं जो कि इंटरकनेक्टेड 3 नॉट्स हैं, इनका मतलब है सेल्टिक नॉट इनको बोला जाता है, जिसका एक ही वेरियंट है ट्रिनिटी नॉट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी 3 चीज़ों, मतलब लाइफ की हो, कोई भी हो, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, उन 3 चीज़ों का जो इटर्नल बॉन्ड होता है, इटर्नल कनेक्शन होता है, ये उसको डिनोट करता है। मेरे लिए वो 3 चीज़ें कह सकते हैं आप, मेरी सोल, बॉडी एंड होप। ये 3 चीज़ें हैं, मतलब एक स्ट्रगलिंग बंदे के लिए या किसी के लिए भी, मतलब आई फील कि अगर मेरी बॉडी, सोल और होप का एक इटर्नल कनेक्शन, एक इटर्नल बॉन्ड बन गया, सो आई गेस इट विल डू वंडर्स। एंड आप लोगों का प्यार रहेगा तो हम ऊपर जाएंगे यार। तो दोस्तों यही था बस आज का व्लॉग यार, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कैसा लगा टैटू, वो भी कमेंट कर देना, मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स। एंड सब्सक्राइब कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करते रहो, बिकॉज नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अभी तक माँ पापा को इतना आइडिया नहीं है कि इतना बड़ा टैटू है या जो भी टैटू है, उनका रिएक्शन लेंगे, उनका जो भी होगा, मतलब देखते हैं। इतना पक्का है कि बहुत ही मज़ेदार होगा, बिकॉज आई गेस उनका थोड़ा सा शॉक वाला रिएक्शन आएगा। बट उसके लिए बने रहना नेक्स्ट व्लॉग के लिए, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव गाइज़।